हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पके आम की आइसक्रीम घर पर कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बनाते हैं आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स, आइसक्रीम बनाने के लिए ये दो पके आम है, इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिए हैं, और इस कटोरे में इस आम को छीलना है और छील के सारा गुद्दा को इसमें रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चाकू से इसे छील रही हूँ। तो ये देखिए, मैं सारे गुद्दे इसमें निकाल दूंगी कटोरे में, दूसरे को भी इसी तरह से छील लूंगी और इसके भी सारे गुद्दे निकाल के कटोरे में डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा आम निकल चुका है और गुठली अलग हो चुकी है। तो ये देखिए कितना अच्छा हो चुका है। तो चलिए अब इसको पीस लेते हैं एक मिक्सी जार में। फ्रेंड्स, इसे मैं डाल दूंगी और इसमें ज़्यादा नहीं, 1.5 चम्मच चीनी लूंगी फ्रेंड्स, और इसे चलिए पीस लेते हैं। तो ये देखिए मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब इस तरह के आइस क्यूब में मैं इसे डालूंगी। तो चलिए चम्मच की सहायता से इसे डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारे में मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे में मैं चम्मच से डाल चुकी हूँ। तो इसे चम्मच की सहायता इसे डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो गिर जाएंगे चारों तरफ। तो मैं चम्मच से ही डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैं लिड में डाल चुकी हूँ। तो अब इसे एक बार थोड़ा पटक लेते हैं ताकि ये अंदर तक चला जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए अब इसको फ्रिज में डाल देते हैं, कम से कम आधा घंटा के लिए अति ठंडा में डालना है फ्रेंड्स। अब ये देखिए इस तरह का जम चुका है। तो चलिए अब इस प्लेट में मैं निकाल देती हूँ। तो इसे निकाल रही हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा निकालने में कठिनाई हो रही है मुझे, मुझे दिखाना है आप लोग को, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। थोड़ी देर बाहर रख के उसके बाद निकालिएगा, तब ये आराम से निकल जाएगा। तो ये देखिए मेरा सारा निकल चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आम का आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स, मेरी आम की ठंडी ठंडी आइसक्रीम आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।